हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमन लुक अराउंड। और आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ मकाओ से। अभी हम लोग यहाँ मकाओ में पहुँच गए हैं, बट मैंने स्टार्टिंग से ये वीडियो रिकॉर्ड किया था कि इवनिंग में आके मैं एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। तो ये मकाओ से मैं बना रही हूँ और हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की दिल्ली से हांगकॉन्ग के लिए। और हम लोग अपने सबसे पहले हम लोग पहुँचे दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ पे छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं, समर ब्रेक, यहाँ पे समर वेकेशन स्टार्ट हो गया था, तो एयरपोर्ट में काफ़ी क्राउडेड था और काफ़ी लोग अपने बच्चे बच्चे के साथ थे यहाँ पे। और हम भी अपने बच्चों के साथ पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट और हमें जाना है वेकेशन पे मकाओ और हांगकॉन्ग। तो पहले हम लोग जाएंगे हांगकॉन्ग, फिर वहाँ से जाएंगे मकाओ। तो हम लोगों का स्टे रहेगा मकाओ और हांगकॉन्ग का रहेगा, बट सबसे पहले हम लोगों को हांगकॉन्ग प्लान करना है। तो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग, अगर आप भी अगर हांगकॉन्ग के लिए प्लान कर रहे हो तो पहले आप ये फॉर्म भर दो ऑनलाइन, उसके बाद आप अपनी बुकिंग्स वगैरह कराइए। क्योंकि अभी जैसे हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं मकाओ पे, तो हमको एक कपल मिला था, तो उनका क्या हुआ कि उन्होंने पहले ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा था। तो उनकी चार लोगों की फैमिली थी, तो एक बेटे मतलब बुकिंग कर ली और उसके बाद उनका एक बेटे को सिंगापुर से हांगकॉन्ग आ रहे थे, तो सिंगापुर से वापस जाना पड़ा। वो हांगकॉन्ग नहीं आ पाया क्योंकि उसका ये अप्रूव नहीं हुआ पाया था, हांगकॉन्ग गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं हुआ, तो वो वापस चला गया। तो इसलिए पहले अपना रजिस्ट्रेशन मतलब करा लीजिए, फिर बुकिंग कराइए। हमने भी यही किया था, हमने पहले अप्रूवल लिया, देन फिर हमने बुकिंग कराई। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँचे और अप्रूवल, सबसे पहले हांगकॉन्ग के लिए आप जाते हैं तो पहले अप्रूवल फॉर्म चेक हो गया हमारा और हमने अपने लगेज वगैरह दे दिया, लगेज दिया, लगेज के बाद हम फ्री हो गए और हम लोग पहुँच गए लाउंज की तरफ। हम लोगों ने वहाँ पर लाउंज में काफ़ी टाइम था, काफ़ी जल्दी हम लोग आ गए थे, अर्ली चेक इन वगैरह कर लिया था हम लोगों ने। और एक और चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो वीज़ा ऑन अराइवल कंट्रीज़ हैं, तो उनका उनका आपका ऑनलाइन वेब चेक इन नहीं होता है। जैसे हम लोग अपने डोमेस्टिक में ट्रेवल करते हैं तो वेब चेक इन करा लेते हैं, तो उसमें वेब चेक इन नहीं होता है। तो आपको जल्दी जाके पहले वेब चेक इन वहीं पे कराना पड़ता है एयरपोर्ट में जाके। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए लाउंज में, भूख लगी हुई थी सबको, तो हम लोगों ने आके यहाँ पे बढ़िया से, अच्छा लेविश स्प्रेड था तो आके हम लोगों ने खाया। और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स गेट नंबर 18 क्योंकि अब हम लोग बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है थोड़े, और हमारी फ्लाइट है रात 10 बजे की फ्लाइट है। तो मॉर्निंग में हम लोग हांगकॉन्ग के टाइम से यहाँ 6 o'clock पे पहुँचेंगे। और यहाँ पे जो हांगकॉन्ग के लिए यूजुअली क्या होता है, हर कंट्री का अपना अपना वीज़ा प्रोसेस होता है। हांगकॉन्ग के लिए हमें प्री अराइवल कराना पड़ता है, ये समझे। इवन इट्स बेटर कि आप अपने टिकट बुक करने से पहले आप अप्रूवल ले लीजिए। तो प्री अराइवल हमारा फॉर्म जब वो अप्रूव हो जाता है उसके बाद हमने बुकिंग्स वगैरह कराई, और उसके बाद अभी हम लोग एयरपोर्ट पे आके हम लोग ने इमिग्रेशन कराया, तो सबसे पहले उन्होंने प्री हमारा फॉर्म ही देखा कि वो अप्रूव हुआ है कि नहीं। तो अप्रूव होने के बाद हमें इमिग्रेशन वगैरह करके हम लोग आए लॉन्च में, हमने डिनर किया। अभी हम लोगों को बोर्डिंग करना है फ्लाइट 10 बजे की। अभी मैं आपको हांगकॉन्ग का जो ट्रिप है हमारा, ऑल दो देखती हूँ कितना मैं कवर कर पाती हूँ, कितना मैं आपको दिखा पाती हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट पिछली देर में। तो चलिए मैं आपको हांगकॉन्ग के बारे में, हांगकॉन्ग में हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो सारी डिटेल्स अपने आगे ब्लॉग में देने वाले। चलिए मिलते हैं हांगकॉन्ग में। तो यहाँ आके फिर हमने वापस से अपना इमिग्रेशन इन किया हांगकॉन्ग में, और फिर बस हम लोग बाहर निकले। और यहाँ पे आते ही हम लोगों को फटाफट फॉर्म फिल करना था, फॉर्म फिल किया और फटाफट हम लोगों ने, इमिग्रेशन की लाइन इतनी लंबी हो जाती है, तो बस बाहर निकले सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके। और वहाँ पर ड्राइवर वेट कर रहा था, और डायरेक्टली हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे नहीं रुकना है, आज हम लोग डायरेक्टली मकाओ जा रहे हैं। तो वो हमको फेरी से जाना था क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा फेरी से मतलब लाइक हम लोग मालदीव्स में थे, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा था कि हाँ फेरी वाला फील वापस से लेना है समवेयर। तो बस हो गया, फिर हम लोग चले गए फेरी वाला, हम लोग ने बुकिंग कराई थी, तो वहाँ पे जाके फेरी पे जाके हम लोग ने वहाँ पे बैठ गए और बस 45 मिनट्स का राइड। और उसके बाद हम लोग पहुँच के 45 मिनट्स के बाद मकाओ फेरी टर्मिनल पे, और अगेन वहाँ पे हमारा इमिग्रेशन हुआ, बट फॉर्म फिल नहीं करना पड़ा था। बट हाँ, हम लोग वहाँ पे से इमिग्रेशन किया और उसके बाद हम लोग बाहर टैक्सी वेट कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ से टैक्सी से अपने टूवर्ड्स अपने होटल की तरफ चले गए। काफ़ी बढ़िया सा मकाओ का जो फर्स्ट जो था वो बड़ा अच्छा सा वेलकम हुआ हमारा, कि बहुत ही अच्छी ड्रिजलिंग हो रही थी और इतना अच्छा वेदर,
था क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे 50-50 टेम्परेचर था दिल्ली पे, हमारा बहुत स्क्रॉचिंग हीट थी, तो यहाँ पे आके बड़ा कूल सा अच्छा लगा, मतलब फर्स्ट फील ही बहुत अच्छा सा आया कि अरे वाह यहाँ तो बहुत अच्छा वेदर है, कोस्टल कंट्री है बट बहुत अच्छा वेदर हम लोगों को मिला और हम लोग बस अपने होटल की तरफ पहुँच गए। बहुत अच्छा फील था इस होटल का, वेनिशियन होटल है मकाओ में ये, तो जो मकाओ है वो एलए ऑफ ईस्ट से बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत कैसिनोज हैं और बिल्कुल इसी थीम पे यहाँ पे वेनिशियन होटल भी बना है जैसा एलए में है उसी थीम पे यहाँ पे भी बना हुआ है यूएस में जैसा है। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए और काफ़ी मतलब हम लोग थोड़ा अर्ली पहुँच गए थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट मॉर्निंग की थी तो हम लोगों को थोड़ा टाइम था, तो हम लोग ने वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ थी वो करी और यहाँ पे जो एंट्रेंस डोर्स थे वो लग रहा था हॉगवर्ड आ गए, वो अपने आप वापस से खोल रहे थे, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था, वापस जाके आ रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे फर्स्ट उसका लुक। बट बस हम लोग ने थोड़ी देर वेट किया तो उसमें गंडोला राइड्स वगैरह थे, तो इन द मीन टाइम हम लोग ने अपना लगेज दे दिया था वहाँ पे, तो हम लोग फ्री हो गए थे और फिर हम लोगों ने वो थोड़ी एक्टिविटीज़ वगैरह करी और ये लोग बच्चे रिकॉर्ड करने में लगे थे कि वो अपने आप इंजॉय कर रहे थे। बहुत खूबसूरत सा होटल है, इसकी सीलिंग्स वगैरह भी इतनी अच्छी वेल पेंटेड हैं, तो बस उसी को देखने में काफ़ी टाइम कहाँ हम लोगों का निकल गया कि मतलब पता ही नहीं चला। और वो काफ़ी फ़ोटोशूट इसमें मतलब एक एक कॉर्नर ऐसा है कि आप हर जगह खड़े होकर फ़ोटोशूट कर सकते हैं। और हमारा चेक इन का टाइम हो गया तो हमारा रूम था 30th फ्लोर में, तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने 30th फ्लोर में और हम लोगों को रूम अलॉट हुआ और हम लोग आ गए अपने रूम की तरफ। तो चलिए मैं आपको एक क्विक टूर कराती हूँ रूम का। कब हमने फैमिली रूम लिया था तो काफ़ी खूबसूरत सा ये रूम और काफ़ी अच्छा सा वेल मेंटेन्ड रूम था और इसके वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी अच्छा था, ड्रेसिंग वगैरह, तो इट वॉज़ लाइक बहुत खूबसूरत सा होटल है ये। तो चलिए आज के लिए इतना ही और आगे अपने आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने मकाओ और हांगकांग की ट्रिप और कुछ इंटरेस्टिंग प्लेसेस जो हम लोग ने विजिट करी और अपने एक्सपीरियंस। सो यू स्टे कनेक्टेड विद सुमन लुक अराउंड और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय फॉर नाउ।